मैं हूँ दशानंद राज। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर लाइफ में पहली बार मैं और मेरी टीम सेलिब्रेट करने वाले हैं दशहरा। जी हाँ गाइस, यार सच बात बोलूँ ना तो आज तक कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। और गाइस यार अगर कोई मुझसे पूछे ना तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि भाई जो रावण था ना भाई वो भी बहुत ज्यादा ज्ञानी था और एक बहुत ही पावरफुल शख्स था, और ये चीज भगवान राम भी अच्छे से जानते थे। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसके पूरे जो साम्राज्य है उसका पतन हो गया और यहाँ तक कि रावण को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इसीलिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा यार कि अगर लाइफ के अंदर कोई भी फैसला लेना हो ना तो अच्छे से सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम मनाने वाले हैं दशहरा आपके अपनी टीम के और मेरे साथ में, क्योंकि दशहरा एक प्रतीक है असत्य पर सत्य की जीत का। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है बहुत बड़ा रावण, और आज हम मनाने वाले हैं दशहरा। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। बैंग बैंग, हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, श्री रामचंद्र की जय। चलो ध्यान करते हैं, 1 2 3 ओह नो, मिस हो गया निशाना, मिस हो गया, करते उधर से वो करते। ऑलराइट गाइस, मेरा निशाना इतना अच्छा नहीं है भगवान रामचंद्र जितना, लेकिन फिर भी एक बार फिर से ट्राई करते हैं। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। ऑलराइट गाइस, तो यार जो रावण है भाई वो तो बहुत जल्दी मतलब कि दहन हो गया। ब्रह्मास्त्र तो नहीं चलाया, नॉर्मली चलाया था, और जो रावण है वो पूरी तरीके से दहन हो गया। रावण को डहा दो, और तुम्हारी तो भाई ये होता है फुल दोस्तों के साथ में सेलिब्रेशन किसी भी त्योहार का, और त्योहार मनाने चाहिए क्योंकि ये पटाखे फोड़ देंगे। त्योहार मनाने चाहिए क्योंकि यार पूरे साल भर अपन लोग काम करते हैं, कोई एक त्योहार आता है तो उसे मनाना चाहिए क्योंकि उसी से है ना खुशियाँ आती है और ऐसी चीजें लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी लेके आती है, क्योंकि अरे तुम्हारी तो ये वो तो ऐसी चीजें पॉजिटिविटी लेके आती है। बस ऐसी हरकतें मत करना, दोस्तों के अंदर चलता है छोटा वाला पटाखा था उसने चला दिया, एक और चला रहा है। एक बार सब आ जाओ, रावण की तो बस अस्थियां बची है यार, गलत वे में मत लेना, सच बता रहा हूँ। पहली बार देखो, जो अगर कुछ परंपराएं होती है या फिर कुछ अगर ऐसा होता है या फिर कोई रिवाज होता है इस तरीके से जलाना चाहिए फिर ऐसा, तो हमें नहीं पता भाई, गांव के लोग हैं। हमें तो बस इतना पता है कि रावण को जलाया जाता है, और इतना पता था कि धनुष से जलाया जाता है, लेकिन हमारे पास तो धनुष भी नहीं था। बस ये लोग ऐसे ही खुशी के अंदर रावण लेके आ गए थे और आप लोगों के साथ में इसे सेलिब्रेट किया, अस्थियां विसर्जित की जाएगी। तो इधर आज के लिए बस इतना ही, एक बार सभी लोग आ जाओ, और आज के लिए बस इतना ही, बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।
तो आज के लिए उस इतना, मिलते इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक बार नहीं बस बस बोलो जय भारत जय भारत जय भारत जय भारत।